हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का सेड ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे उड हैव बीन। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं उड बी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उड हैव बीन, यूज ऑफ उड हैव बीन, पहचान लिखिए। वाक्यांत में रहा होता, रही होती, रहे होते, प्लस समय से दिया, यूज ऑफ वुड हैव बीन। वाक्य में क्या आएगा? रहा होता, रही होती, रहे होते, प्लस समय से दिया हो। अफर्मेटिव सेंटेंस। रूल्स लिखिए। सब्जेक्ट प्लस वुड हैव बीन प्लस बीन प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। यूज ऑफ वुड हैव बीन। रूल्स क्या होगा अफर्मेटिव में? सब्जेक्ट प्लस वुड हैव बीन प्लस बीन प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे वह 5 बजे से क्रिकेट खेल रहा होता, वह 5 बजे से क्रिकेट खेल रहा होता। वाक्य अंत में क्या आ रहा है? रहा होता या रही होती या रहे होते प्लस समय से दिया। इसमें क्या होता, क्या है? रहा होता। समय से क्या हो गया? 5 बजे से क्या हो गया प्लस समय से क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। ही वुड हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। ही वुड हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 5 o'clock। सिंस 5 o'clock। ये क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वुड हैव बीन, वुड हैव बीन। उसके बाद बीइंग, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी बीइंग। उसके बाद अदर वर्ड क्या हो गया? क्रिकेट, अदर वर्ड हो गया। उसके बाद सिंस, उसके बाद टाइम। सोहन दो दिन से अंग्रेजी सीख रहा होता। सोहन दो दिन से अंग्रेजी सीख रहा होता। क्या हो गया इसमें? रहा होता प्लस
समय से दिया क्या? दो दिन से। क्या जाएगा? सोहन वुड हैव बीन लर्निंग्स का होता है सीखना। क्या जाएगा? लर्निंग हो जाएगा, लर्निंग इंग्लिश। कब से? दो दिन से। तो क्या जाएगा? फॉर टू डेज। सोन क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट, उसके बाद वुड हैव बीन, उसके बाद विंग हो गया, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद सिंस या फॉर, क्योंकि दो दिन से है। तो क्या रहेगा यहां पर? फॉर का प्रयोग होगा, उसके बाद टू डेज टाइम हो गया। बच्चे मैदान में पतंग उड़ा रहे होते, बच्चे मैदान में शाम से, बच्चे मैदान में शाम से पतंग उड़ा रहे होते, बच्चे मैदान में शाम से पतंग उड़ा रहे होते। क्या रहा होता या रहे होते? मतलब समय से। कब से है? शाम से। क्या हो गया? टाइम। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? द चिल्ड्रेन वुड हैव बीन पतंग उड़ाने की इसका होती है फ्लाई विस उड़ान। क्या जाएगा? फ्लाइंग काइट। फ्लाइंग काइट कहां पर? मैदान में, इन द फील्ड या इन द ग्राउंड। कब से? शाम से। तो क्या रहेगा? सिंस का प्रयोग है। सुबह से, शाम से, दोपहर से, क्या इसका प्रयोग होता है? सिंस का प्रयोग होता है। तो क्या हो जाएगा? सिंस इवनिंग। द चिल्ड्रेन क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वुड हैव बीन, उसके बाद विंग हो गया, उसके बाद अदर वर्ड काइट, उसके बाद सिंस हो गया, उसके बाद टाइम। वे पांच मिनट से कक्षा में शोर मचा रहे होते, वे पांच मिनट से कक्षा में शोर मचा रहे होते।
समय क्या आ रहा है? रा होता, रही होते, रहे होते प्लस समय से आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? दे वुड हैव बीन, मेकिंग ए नॉइज, कहां पर? कक्षा में, तो क्या हो जाएगा? इन द क्लास। कब से? 5 मिनट से, तो क्या हो जाएगा? फॉर 5 मिनट। सब्जेक्ट हो गया दे, उसके बाद वुड हैव बीन, उसके बाद विंग हो गया मेकिंग, उसके बाद इनवॉइस, धोबी, तालाब में, कपड़ा, धोबी तालाब में 5 घंटे से, कपड़ा धुल रहा होता, धोबी तालाब में 5 घंटे से कपड़ा धुल रहा होता। सब में क्या आ रहा है? रहा होता प्लस समय से दे रहा है। द वॉशरमैन वुड हैव बीन washing cloth for 5 hours. सब्जेक्ट हो गया द वॉशरमैन, उसके बाद वुड हैव बीन, उसके बाद विंग, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। नेगेटिव सेंटेंस, पहचान लिखिए, नहीं पहचान नहीं, रूल्स लिखिए। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस नॉट प्लस हैव बीन, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस विंग। प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस विंग प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम।
वह दो घंटे वह दो घंटे से खाना नहीं बना रहा होता। वह दो घंटे से खाना नहीं बना रहा होता, क्या रहा वाक्य अंत में? रहा होता, तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट ही वुड नॉट हैव बीन, ही वुड नॉट हैव बीन कुकिंग फूड, कुकिंग फूड कहिए या मेकिंग फूड, कुकिंग फूड फॉर 2 hours, he would not have been cooking food for 2 hours. ये क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट, उसके बाद फूड हो गया, उसके बाद नॉट हो गया, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद विंग हो गया, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद फार हो गया, उसके बाद टाइम। मोहन दस मिनट से मैदान में मोहन 10 मिनट से मैदान में नहीं दौड़ रहा होता। मोहन 10 मिनट से मैदान में नहीं दौड़ रहा होता, इसमें क्या रहा होता प्लस समय से, तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट मोहन वुड नॉट हैव बीन, मोहन वुड नॉट हैव बीन रनिंग, रनिंग इन द ग्राउंड, दस मिनट से क्या हो जाएगा? फॉर 10 मिनट्स। मोहन सब्जेक्ट हो गया आपका, उसके बाद वुड हो गया, उसके बाद नॉट हो गया, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद विंग हो गया, उसके बाद अदर वर्ड हो गया, उसके बाद फार हो गया, उसके बाद टाइम। मछुआरा तालाब में, मछुआरा तालाब में सुबह से मछली नहीं पकड़ रहा होता। मछुआरा तालाब में सुबह से मछली नहीं पकड़ रहा होता, क्या हो जाएगा? द फिशरमैन वुड नॉट हैव बीन, द फिशरमैन वुड नॉट हैव बीन कैचिंग फिश,
कैचिंग फिश कहां पर? तालाब में। क्या हो जाएगा? इन द पॉन्ड। सुबह से क्या हो जाएगा? सिंस मॉर्निंग। द फिशरमैन क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वुड हो गया, उसके बाद नॉट हो गया, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद विंग हो गया, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद टाइम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। रूल्स लिखिए। वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस बीइंग प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। वुड हो गया प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस विंग प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या तुम दीपावली से स्कूल आ रहे होते? क्या तुम दीपावली से स्कूल आ रहे होते तो क्या हो जाएगा? वुड यू हैव बीन Would you have been coming? Would you have been coming to school? कब से? दीपावली से। तो क्या लगा इस पे? Since दीपावली। क्वेश्चन मार्क। दीपावली हो गया, ईद हो गया, बकरीद हो गया, इसमें क्या किसका प्रयोग है? सिंस का प्रयोग है। इससे पहले हम इसको पढ़ा चुके हैं। देखिए वुड हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद बीइंग हो गया, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। क्या वह बागीचे में
क्या वह बागीचे में दो घंटे से फूल तोड़ रहा होता? क्या वह बागीचे में दो घंटे से फूल तोड़ रहा होता? क्या हो जाएगा? उड उड ही हैव बीन प्लकिंग फ्लावर। कहां पर? बागीचे में। तो क्या हो जाएगा? इन द गार्डन। दो घंटे से क्या हो जाएगा? फॉर टू आवर्स। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। फूड हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैव बीन हो गया, उसके बाद विंग हो गया, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। क्या मैं एक घंटा से चाय बना रहा होता? क्या मैं एक घंटा से चाय बना रहा होता? तो क्या हो जाएगा? फूड Would I have been? Would I have been taking tea या making tea? Making tea? से एक घंटे से क्या हो जाएगा? फॉर वन आवर। क्वेश्चन मार्क। वुड आई हैव बीन मेकिंग टी फॉर वन आवर। वुड हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया आई, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद विंग हो गया, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद सीन्स या फार, उसके बाद टाइम। रूल्स लिखिए। इंट्रोवर्ड प्लस उड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस विंग प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोवर्ड हो गया, उसके बाद उड हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद विंग,
उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। Why? दो दिन से बाजार कैसे जा रहा होता? वह दो दिन से बाजार कैसे जा रहा होता? क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम इंट्रोवर्ट का प्रयोग करेंगे। इंट्रोवर्ट क्या है? क्यों, कैसे, कहां, कब, क्या है, ये सब इंट्रोवर्ट है। कैसे क्या हो गया आपका? इंट्रोवर्ट हो गया। क्या हो जाएगा? कैसे इंग्लिश क्या होती है? हाउ, हाउ वुड, हाउ वुड ही हैव बीन, How would he have been going to market? टू दो दिन से क्या हो जाएगा? फॉर टू डेज। क्वेश्चन मार्क। इंट्रोवर्ट, उसके बाद वुड हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद विंग हो गया, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद फार, उसके बाद समय। तुम सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहे होते? तुम सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहे होते? रहे होते प्लस समय से, सुबह से, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? इंट्रोवर्ट का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्यों इंग्लिश क्या होती है? वाई, वाई वुड यू हैव बीन, Why would you have been playing cricket? सुबह से क्या हो जाएगा? Since morning. Question mark. Introvert हो गया, why? उसके बाद would हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद विंग हो गया, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, रूल्स लिखिए। वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन
प्लस विंग प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस विंग प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या हुआ है, दो मिनट से क्रिकेट नहीं खेल रहा होता क्या हुआ है, दो मिनट से क्रिकेट नहीं खेल रहा होता तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम वुड का प्रयोग करेंगे, वुड वुड ही निगेटिव, इसलिए क्या करेंगे नॉट का प्रयोग करेंगे, वुड ही नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर टू मिनट्स। क्वेश्चन मार्क वुड हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया ही, उसके बाद नॉट हो गया, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद विंग, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद फॉर, उसके बाद टाइम। क्या लोहार, क्या लोहार दो महीने से, क्या लोहार दो महीने से कुर्सी नहीं बना रहा होता, क्या लोहार दो महीने से कुर्सी नहीं बना रहा होता तो क्या हो जाएगा, वुड वुड ब्लैक स्मिथ ब्लैक स्मिथ क्या होता है लोहार। वुड ब्लैक स्मिथ नॉट हैव बीन Not have been making chair, making a chair. कब से, दो महीने से, क्या हो जाएगा for two months। Question mark। उड़ हो गया, उसके बाद subject हो गया, उसके बाद नॉट हो गया, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद रिंग हो गया, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद फार, उसके बाद टाइम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। रूल्स लिखिए, इंट्रोवर्ट
प्लस वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस विंग प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोड हो गया, उसके बाद ओल्ड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वी, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। मरीज दो दिन से दवा क्यों नहीं खा रहा होता? मरीज दो दिन से दवा क्यों नहीं खा रहा होता? क्या करेंगे? सबसे पहले हम इंट्रोवर्ट का प्रयोग करेंगे। इंट्रोवर्ट क्या है? क्यों? क्यों की इंग्लिश क्या होती है? व्हाई। व्हाई वुड द पेशेंट, पेशेंट मीन्स क्या होता है? मरीज। व्हाई वुड द पेशेंट नॉट हैव बीन टेकिंग मेडिसिन? क्वेश्चन मार्क। इंट्रोवर्ट हो गया वाई, उसके बाद फूड हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नॉट हो गया, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद विंग हो गया, उसके बाद अदर वर्ड। देखिए फिर इसका यहां पर समय का नहीं लिखा गया, क्या हो जाएगा? फॉर टू डेज क्वेश्चन मार्क। व्हाई वुड द पेशेंट नॉट हैव बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर टू डेज? हम चार बजे से खाना क्यों नहीं बना रहे होते? हम चार बजे से खाना क्यों नहीं बना रहे होते? क्या हो जाएगा? इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट क्या है? क्यों? क्यों की इंग्लिश क्या होती है? व्हाई। व्हाई वुड, व्हाई वुड वी नॉट हैव बीन कुकिंग फूड? कब से? चार बजे से। क्या हो जाएगा? सिंस फोर ओ क्लॉक। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। वाई क्या हो गया? इंट्रोवर्ट। उसके बाद वुड हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया वी, उसके बाद नॉट हो गया, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद विंग हो गया कुकिंग, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम।
चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं।